विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टी अपना कद मजबूत करने में लगे हैं। अभी तक राज्य में गठबंधन का चेहरा साफ भी नहीं हुआ। भाजपा और राजस्व के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार प्रदेश की राजनीति गर्म कर दी है। हालांकि राजस्व एनडीए का प्रमुख घटक दल रहा है। राज गठन से लेकर अब तक बीजेपी और राजस्व कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही है। 1919 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आसू ने 17 विधानसभा चुनाव इलाकों में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसको लेकर बीजेपी और आसू के बीच तनातनी चल रही है और अभी तक इनके बीच सीट शेयरिंग की बात को लेकर कोई बात नहीं बन पाई है। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि भाजपा के साथ सीटों पर हमारी बातचीत हो रही है, अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, गठबंधन की बातचीत अनिवार्य है। हमने आदरणीय प्रभारी जी के साथ बैठा था तो हम सभी लोगों ने एक मापदंड तैयार किया था कि भाई जो जहां मजबूत होंगे जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सभी जीत के लिए चुनाव होना चाहिए। तो ये मजबूती को आधार बनाया गया, तो इसी आधार पर जहां हमारा कार्यक्षेत्र रहा है, जहां हमने काम किया है, जहां पार्टी ने लगातार 5 साल तक मेहनत किया है, वर्कर्स ने मेहनत किया है, मैंने उनकी सूची मैंने उनको दी। उन्होंने कहा कि हम जहां नेतृत्व करने की स्थिति में हैं, हमने उन सीटों पर अपना दावा पेश किया है। बातचीत हो रही है, अभी 24 घंटे बाकी है। सुदेश महतो ने कहा कि हमने अपनी बात रख दी है, अब फैसला भाजपा को करना है कि उनके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातचीत होती रहती है, इसके बाद प्रत्याशियों का नाम आता है। हमारी बातचीत हो ही रही थी तो पहले भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, उसके बाद हमने हमारी सूची जारी की। मैंने इस विषय पर अभी बात और चर्चा हम नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि जो भी विषय अभी सामने आया, जिस विषय को लेकर शायद आप ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, वो विषय है कि सीटों के शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है, हमने अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने विषयों को हमने रखा है। अपने मैंने कहा कि दो विषय हमारे थे, एक तो एक कॉमन एजेंडा पर हम इस राज्य को लाने देना चाहते थे कि भाई दो दल मिलेंगे तो दोनों दल अपने अपने एजेंडा के लिए काम ना करें, बल्कि राज्य के मूलभूत विषयों को अपना एजेंडा में शामिल करें। सबरंग समाचार के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।